जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, प्रकृति में हर किसी चीज का विधि विधान तय है। जैसे मान लीजिए, यदि आप लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर की ओर जाने वाली यदि आप बटन दबाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऊपर ही पहुंचेंगे। यदि आप किसी सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरते हैं तो आप नीचे ही उतरेंगे, बहुत तय है। इसमें कोई साइंस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब जो कर्म आप कर रहे हैं उसका वैसा ही फल मिलेगा जिस प्रकार आप उसे कर रहे हैं। यदि आप गर्मियों में किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठेंगे तो आपको शीतलता महसूस होना तय है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धूप में खड़े रहेंगे गर्मियों के दोपहर में तो गर्मी लगना तय है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह से कुछ एक सिद्धियां हैं, टोने टोटके हैं, जिन्हें करेंगे तो उनका फल मिलना तय है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह का एक मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, एक त्राटक बताने जा रहा हूँ, जिसे मिरर त्राटक, शीशा त्राटक, दर्पण त्राटक भी कहते हैं। बहुत पहले के समय में इसे पानी में देख करके भी किया जाता था। अभी इसे आप दर्पण में देख करके भी, शीशे में देख करके भी कर सकते हैं। बहुत ही सचोट उपाय है। यदि इसको आपने सिद्ध कर लिया तो इससे आपके दो काम बनने लगेंगे। एक तो जो कोई आपको काम काज चाहिए वो आपको आसानी से मिलने लग जाएगा। किसी वस्तु को आप पाना चाहते हैं तो उसमें जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, उससे आप आसानी से पा लेंगे। यदि किसी व्यक्ति पे आप अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, बहुत बड़े वर्ग को यदि आप अपने अंडर लाना चाहते हैं और उसको अपने प्रभुत्व में लाना चाहते हैं, वहाँ अगर अपना अस्तित्व आप दिखाना चाहते हैं तो वह भी त्राटक से आसानी से हो सकता है। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि त्राटक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। त्राटक से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस क्षण के लिए बिना कुछ खिलाए पिलाए सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति ज़बरदस्त तरीके से आपसे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि दर्पण त्राटक करना कैसे है, किस तरह से इसको प्रारंभ करना है। दर्पण त्राटक या किसी भी त्राटक की कोई भी आप ऐसी क्रिया करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका समय निश्चित करना होगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे पास में ये समय नहीं है, मेरे पास में ये समय नहीं है कमेंट में, तब मुझे इतना समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति जिस वस्तु को पाना चाहता है वो व्यक्ति या वस्तु इसके लिए प्रायोरिटी में नहीं है। क्योंकि यदि होती तो वो समय को निकाल करके उसको करता। ऐसा ही है ना, यदि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए समय निकालते हैं। तो यदि आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। एवरीडे का आपको समय निकालना पड़ेगा, एक ही समय निकालना पड़ेगा एवरीडे। समय आपको चूज करना है कौन सा है। 24 घंटे में कोई भी समय ले सकते हैं आप, लेकिन समय वही रखना है। 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय वही रखना है। क्योंकि जब वही समय पे, निश्चित समय पे आप उस क्रिया को करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके दिमाग के विचार, आपके शरीर में जो रसायन दौड़ रहा है वो सब धीरे धीरे करके उस दिन, उस समय के लिए, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए बॉडी जैसे निश्चित है। जो व्यक्ति एक समय खाता है उसे एक ही टाइम भूख लगेगी और उसी समय भूख लगेगी। सिर्फ इसी तरह से सेम ये चीज़ है, जो समय आप तय करें उसी समय आपको इसको ये करना है।
सिंपल है, दर्पण के तरफ, दर्पण किसी भी दिशा में चलेगा, आपका मुख किसी भी दिशा में होगा चलेगा, दर्पण के सामने आपको, शीशे के सामने आपको बैठ जाना है और सबसे पहले प्यार से अपने चेहरे को देखना है। चेहरे को देखते देखते धीरे धीरे आपको अपनी आँखों को देखना है। जब आप अपनी आँखों को देखेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका जो चेहरा है वो अलग अलग प्रतिकृति में बदलता जा रहा है, उसके रूप अलग अलग होते जा रहे हैं, वो आपको भयानक भी दिखने लगेगा। ये वो चीज़ है जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, जो कोई भी व्यक्ति कहता है कि उपाय में मुझसे ये नहीं होता या वो नहीं होता। दर्पण एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये देख सकते हैं, 100% गारंटीड है। आप बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए देखने के लिए बैठ जाएं, आपको अपनी मुखाकृति विचित्र होती नज़र आने लग जाएगी। इससे आप अनुमान लगाने लग जाएं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जब आप उसमें केंद्रित होने लग जाएं, जब आपका भय कम होने लग जाए, तब आप अपनी दृष्टि को अपनी आँखों से हटा करके अपने इस जगह पर दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आप देखने का प्रारंभ करने लग जाएं। कुछ दिनों तक ये करने के बाद में आपको जैसे ही यहाँ पर रोशनी दिखने लग जाए, जैसे ही आपको रोशनी दिखने लग जाए, आप समझ जाइए कि आपका त्राटक सिद्ध होने लगा है। अब त्राटक सिद्ध होने लगा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है जो आपके खास हों, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी हैं, माता पिता, इन पर सबसे पहले किया जाए। जब आप इन पर यह प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी सफल होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे आप इसको किसी के भी समक्ष करेंगे तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। अब इससे आपके काम कैसे बनेंगे? दर्पण में जैसे ही आपका त्राटक सिद्ध होने लग जाए, खुद पे त्राटक करने लग जाए, आपको जो कोई भी वस्तु या व्यक्ति या नौकरी या पद या पोजीशन चाहिए, गाड़ी बंगला जो कुछ चाहिए, कहने लग जाए कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं ये करूँगा, मैं इसको हासिल करूँगा, मैंने ये चीज़ पा ली है, अब मैं इसके लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए संपूर्ण रूप से आपको और केवल आपको ही तैयार होना है। अपने मनोभाव को संपूर्ण रूप से तैयार कर दीजिए, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है, आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। वो सहायता करेगा, आएगा, आपके साथ खड़ा भी रहेगा, लेकिन लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा था, वैसे आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है। वो खड़ा है आपके साथ में, ये विश्वास के साथ आप हर क्रिया को कीजिए और हर क्रिया में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जो कुछ चाहिए आप मांगते जाइए दर्पण से, दर्पण आपको वो सारी चीज़ें देता चला जाएगा। और इस क्रिया, ये क्रिया बहुत सदियों से भारत में प्रचलित है और कई लोगों ने इससे बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, राज्यों तक को जीता है, इतनी बड़ी इसमें ताकत है। तो ये उपाय भी काफ़ी बेहतरीन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ज्ञान को अर्जित कर पाए। तो चलिए, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।